नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही वो अभी तक की बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। पुलिस ने महिला ज्वेलर से 50 लाख की फिरौती मांगने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी राहुल राठौड़ सितारगंज जेल में बंद है और जेल के अंदर से ही उसने फोन कॉल पर महिला ज्वेलर से फिरौती की मांग की थी। महिला ज्वेलर्स का नंबर आरोपियों को अखबार के जरिए मिला था। महिला ज्वेलर्स ने अखबार में वार्षिक श्राद्ध का इश्तेहार दिया था। अखबार से नंबर लेकर महिला ज्वेलर से फिरौती की मांग की गई। वहीं जेल तक मोबाइल और सिम पहुंचाने का काम दो युवतियों ने किया था, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी राहुल राठौड़ अभी जेल में बंद है और उसे पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। साथ ही जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बीच में लिप्त पाए जाएंगे उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए हल्द्वानी से एजाज हुसैन की रिपोर्ट। जेल में मोबाइल यूज हो रहा है जी, वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि जेल में मोबाइल पहुंचा कैसे, जेल में सिम कैसे पहुंचा, वो वहां पे कैसे चल रहा था, उसमें किन लोगों की संलिप्तता थी, चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या जेल के कर्मचारी हैं, उनमें उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी जैसे कि किसी भी आईपीसी क्राइम में की जाती है। ज्वेलर्स का नंबर कैसे प्रोवाइड हुआ? ज्वेलर्स का नंबर उनको उनके द्वारा बरसी के टाइम पे 24 फरवरी का अखबार जो है उन्होंने उसमें काफी बड़ा हाफ पेज का एडवर्टीजमेंट निकाला था। राहुल राठौड़ उस वक्त इस फिराक में थे कि वो किसी से फिरौती मांगे और उस दौरान जो है उनको एडवर्टीजमेंट दिखा और चूंकि वो ऑलरेडी वाकिफ थे, यहाँ पहले रह चुका है व्यक्ति वो, तो उसको मालूम था कि इनका बैकग्राउंड क्या है। उसका डबल उसने फायदा उठाने की कोशिश करी कि मैं रैंसम भी मांग लूँ और साथ ही साथ अपने जो जिस से रंजिश है उसको फंसा लूँ। हाँ, तो उसने जो दल्लू नाम लिया था वो उसी बैरक में दूसरा व्यक्ति है जिसका वर्चस्व वहाँ पे है, तो वो चाहता था कि मैं उसका। एक फरवरी को एक कंप्लेनेंट ने हमारे यहाँ पे कंप्लेन करी, वो ज्वेलर्स हैं और उन्होंने बताया कि उनसे जो है एक कॉल के द्वारा जो है 50 लाख रुपए मांगे गए हैं फिरौती में। उसमें सबसे पहले तो तत्काल मुकदमा दर्ज किया, तत्काल उनकी जो है प्रोटेक्शन बढ़ाई गई, उनके घर पे उनके आवास पे उनके फैमिली मेंबर्स उनके घर पे जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई। साथ ही साथ प्रोटेक्शन के अलावा पुलिस ने उसमें वर्कआउट में तत्काल काम किया है। ये जो कॉल आई थी उनके पास में जो रंगदारी मांगी गई है वो राहुल राठौड़ नाम से जो मुख्य आरोपी हैं वो सितारगंज सेंट्रल जेल में निरुद्ध हैं, उसके द्वारा जो है ये कॉल की गई और उसने सिम के अरेंजमेंट के लिए जिन लोगों को लगाया इसमें, उसमें 3 पुरुष हैं 2 महिलाएं हैं, वो सभी हमारी गिरफ्त में हैं, उनको सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और वो सभी लोग 120B के इसमें मुलजिम। अभी तक के लिए बस इतना ही काफी, बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।